पूजा करते हैं, दुर्गत लोगों के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे माहौल में भी अच्छे तरह से संस्था वो चला गया और उनको क्या क्या परेशानी आ रहे हैं अपना अनुभव सब बता दिया। अभी मैं निवेदन करता हूँ सारे लोग बेसिकली बाय प्रोफेशन तो मैं डिज़ाइनर हूँ, ठीक है, लेकिन ज़्यादा रुझान आर्टिजन होने के साथ काम करने में है हमारा। कहानी थोड़ा अजीब है, मेरा स्टार्टिंग में भी रुझान रहा था जो नक्सल बेल्ट है या टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया है वहाँ पर काम करने का। काश्मीर में भी शायद कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ काम नहीं किए होंगे। बोडोलैंड आसाम में बोडोलैंड सबसे वो प्रसिद्ध क्षेत्र है, सिर्फ बिहार झारखंड में भी हमारा काम रहा। शुरू से पढ़ाई बड़ा ख़राब है, सही से इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ने में। तो जब काम स्टार्ट किया तो सोचे कि भाई क्या किया जाए, तो बड़ा अच्छा एक ग्लैमरस मतलब उस समय हुआ करता था कि फैशन डिजाइनिंग है वही क्या करो, बड़ा आवाज़ बड़ा अच्छा होता था वहाँ पर, मेरी फीमेल का रेशियो बड़ा अजीब सा होता था, सोचे चलो इसी में घुस जाए। उसमें घुस गए, जब बाहर निकले तो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल के साथ एक बार हमको गोरखपुर जाने का टाइम मिला, और फर्स्ट टाइम जब हम गोरखपुर गए तो लट्टू वहाँ का बहुत फेमस है गोरखपुर का, क्योंकि उसका लट्टू का जो कील होता है वो उसमें रस्ट लगता है, मुझे पता नहीं क्या प्राकृतिक उसमें देन है। तो जब हम वहाँ काम करने गए तो गए और जब आर्टिजन कम्युनिटी के साथ जब बैठ के हम तो गए थे टाइम पास करने के लिए वेरी ऑनेस्ट, तो हम जब उसके साथ बैठ कर डिस्कस स्टार्ट की करना कि भाई होना क्या चाहिए था और स्कीम क्या है और होना क्या चाहिए था, उसमें बहुत अंतर मुझे लगा, ठीक है। तो वो बोले सर हमारे पास तो रॉ मटेरियल ही नहीं, टूल्स ही नहीं है, रॉ मटेरियल तो बाकी चीज़ होता है, टूल्स ही नहीं है तो हम कहाँ से सही से बना पाएंगे। आप तो गए दिल्ली से बड़ा डिजाइनर बन के और यहाँ पर दिल्ली में डिज़ाइन किया ये बना दो वो बना दो, तो हमारे पास तो टूल्स ही नहीं है। तो चलो कुछ किया जाए धीरे धीरे। फिर एक दिन ऐसे ही रात में बैठे थे, सोचे छोड़ो मिनिस्ट्री का काम अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। फिर हमने एक एसोसिएशन फॉर रिफॉर्मिंग ट्रेडिशंस करके आर्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को चालू किया, अभी तक रजिस्टर सही से है नहीं लेकिन बस चालू हो गया। तो हमारा मेन फोकस होता है जो आर्टिस्ट है ना, जो आर्टिजन कम्युनिटी, जो बचा हुआ आर्टिजन कम्युनिटी, ऐसे लुप्त हो ही गया लगभग, लेकिन जो बचा हुआ उनके साथ बैठ के ना हम बहुत टाइम पास करते हैं। जैसे उनको बहुत हंसी मजाक में बोलते कह रहे कहाँ जा रहे हैं भाई, आप यही काम कीजिए इसमें ज़्यादा रुतबा है, बोलते कहाँ आप पागल वाला बुद्धि सिखा रहे हैं, इसमें कहाँ रुतबा है, यहाँ पर हालत खराब है हमारा, बोलते इससे भी हालत खराब दूसरे डिपार्टमेंट में दूसरे फील्ड में। तो ऐसे करके हम काफ़ी उनको माइंड डाइवर्ट करने का कोशिश किए, फिर धीरे 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 करीब हम 5 साल बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मतलब बहुत हमको मालूम है, बहुत सारा ऐसा दिन है कि 25-25 दिन हम मैगी खाते रहे हैं, हमको उससे ज़्यादा प्यार लगता है, ठीक है। बहुत ऐसा जगह गए हैं जहाँ पर मैगी बहुत स्टैंडर्ड लगता है, वाई वाई होता था वहाँ पे, ठीक है। तो वाई वाई करके 25 दिन सोचे तीनों टाइम वाई वाई खाना कहने हम खुद वाई वाई हो गए, ठीक है। तो ऐसे हम टाइम बिताए हैं वहाँ पे, लेकिन लेटर स्टेज में जब हम इसके डेप्थ में जाना चालू किए, जब इमोशनल फैक्टर आर्टिजन का जो इमोशनल फैक्टर है, एक सबसे बड़ा खराब क्या होता है कि आपको जाते हैं वहाँ भाषण दे देते हैं और उसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाता है, उनको लगता है यार कोई आदमी आया लगता है सुपर हीरो बन के कुछ तो चमत्कार कर देगा, और हम कर नहीं पाते हैं। ये बड़ा मतलब सैड बात है, लोग जाते हैं बड़े बड़े लोग करते हैं डिजाइन डिजाइन समझा के वापस आ जाते हैं। फिर हम सोचे कि चलो बहुत ज़्यादा हमारी में नहीं, 5-10 लोगों की अगर सस्टेनेबल इम्प्लॉयमेंट की तरफ अगर हम कर दिए तो हमारा तो जिंदगी सफल हो जाए। तो ऐसे कर करके आसाम झारखंड जम्मू कश्मीर ऐसे करके करीब 6-7 स्टेट पर हम काम किए। फिर एक बार ऐसे घर गए, हमारे पापा एक्सपायर कर गए थे, मम्मी अकेले रहते थे घर पे, घर गए तो मम्मी को बोले कि बिहार वापस आ जाए, तो बोले कि मेरे लिए बताओ हमें अकेले काफ़ी है, एक बार एरिया घूम लो, ठीक है। नहीं समझ आया हमारा कभी सोचे बार जैसा बेटा वैसा माँ, पठान सवाल हम किए पठान जवाब वो दिए। अब जब अपना शहर घूमना स्टार्ट किया, बेसिकली गाँव से मेरा जुड़ाव काफ़ी अच्छा रहा, जब शहर घूमना स्टार्ट किया तो देखिए बहुत स्थिति खराब, बहुत मतलब बहुत हमारे यहाँ का ऑलमोस्ट सारा क्राफ्ट लुप्त मतलब विलुप्त हो गया, सब बेट पड़ा हुआ है। फिर हम सोचे कि चलो कुछ तो करेंगे, दोस्त तो था नहीं, कुछ तो करेंगे, कुछ करने के लिए पैसा नहीं था। फिर
झाड़ू से स्टार्ट किया, आपको बड़ा मजाक करेगा, सीख वाला झाड़ू होता है, अभी भी गांव में आप जाइए तो झाड़ू सीख वाला झाड़ू होता है। तो हम देखते थे कि हमारे बोध गया में काफ़ी लेडीज लोग नदी के किनारे से ना वो सीखी काट काटी तो उसका झाड़ू बनाती थी और कोने में गाँव में उसको टान देती थी, तो वो पूरा गुच्छा के टाइप ऐसे ऐसे टन जाता था और बहुत खूबसूरत लगता था। तो सोचे चलो झाड़ू तो बेच लेंगे, लेकिन बेचना किसको। तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाते थे, ऑस्ट्रेलिया हम दार्जिलिंग में ऑस्ट्रेलिया में कुछ लाए थे, उनको हम ये नहीं पता कि झाड़ू है, हम बोले कि ये डेकोरेटिव पीस है, ठीक है आप सीलिंग में जानिएगा बहुत खूबसूरत लगेगा डेकोरेटिव के साथ, उसका बेनिफिट हो जाएगा तो झाड़ू पाने के काम में आ जाएगा, ऐसे बोल के हम मार्केट किए। और फिर हर महीने अभी भी 200-300 पीस हम भेजते हैं बाहर, ठीक है। तो ये जब लोग को ये सब लगा कि यार कोई लड़का है जो झाड़ू भेज रहा है तो कपड़ा भी नहीं भेज रहेगा, ठीक है। मेरा मेन पूछना खादी पे था, लेकिन हम एक लिंक खोज रहे थे कि खादी से लिंक कैसे बने। तो कपिल बाबू हमेशा हमारे कालीन टाइप बन के रहे, उनके संस्था के बदल लिया हमारा भी रहा, हम सब कुछ आज के डेट में देखते होते हैं। तो फिर हम इनके साथ बैठना स्टार्ट किए, नॉलेज गेन स्टार्ट किए करना, और फिर आज के डेट में बहुत खुश हैं, बहुत खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, प्लस 5 साल पहले ना बहुत हम ध्यान थे लैंग्वेज फैशन वीक और भी उनके ऑनर है, उनको बहुत बोलते थे कि सर प्लीज एक बार चांस दीजिए, आज उन लोग बोलते हैं हमारा करते थे कि नहीं चाहिए हमको नहीं करना है फैशन शो वगैरह, ठीक है हम ऐसे ही खुश हैं। तो है स्कोप है, और सबसे अधिक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब आप खादी पहनना स्टार्ट करेंगे, ठीक ऐसे तो लगता है यार दिन भर तो आज फैशन में आ गए खादी हैंडलूम खादी हैंडलूम, लेकिन नहीं आप जब पहनना स्टार्ट करेंगे तब आपको इसका एस्थेटिक वैल्यू समझ में आएगा, एक इमोशनल फैक्टर है नो डाउट इस फैक्ट्री के नाते या फिर जो भी आर्टिजन कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए वो तो है, लेकिन जब आप पहनना स्टार्ट करेंगे खादी तब आपको समझ में आएगा तो ये क्यों लोग क्यों पागल है खाने के लिए, इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि ये शरीर को मतलब विंटर में समर और समर में विंटर वाला फील देता है, ठीक है। प्लस हमको तो ग्लैमरस लगता है, सही होता है खादी में काफ़ी ग्लैमरस लगता है। और अभी जो चैलेंजेस है, हालांकि लोग काफ़ी चैलेंजेस के बारे में बात करें, मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है स्पिनर्स सूता धागा, क्योंकि अगर धागा सही रहेगा तो फिर ऑटोमेटिक कपड़ा अच्छा बनना है, मार्केटिंग अच्छा होना है, सब कुछ होना है। तो धागा का हम लोग फोकस करें, हमारे गवर्नमेंट बिहार में खैर स्ट्रिक्टली फॉलो करें 5,000 चरखा, और वो भी हाथ मिला मतलब जिसको आपको दिल्ली में अमर चरखा बोलते हैं, हम लोग तीन पुरानी बाबू मॉडल चरखा बोलते हैं। उस चरखा का खासियत ये है कि एक बार में आप थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेड्स यार्न यू कैन प्रोड्यूस फ्रॉम दैट। एक तो कि आप उसको कॉटन सिल्क और वूल तीनों एक साथ में आप स्पिन कर सकते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है उस चरखे का। तो वो जो 5,000 चरखा के साथ बहुत सारा मिलिंग विलिंग करके हम लोग कोलैबोरेट होकर ये सब काम स्टार्ट किए हैं। तो हम लोग सबसे बड़ा चैलेंज वही था कि धागा, धागा हम लोग कहाँ से लाए, अच्छा धागा लेगा फैब्रिक अच्छा बन रहा है, अच्छा बना फैब्रिक, देखिए इसका अपना एक ग्लैमर होता है, ठीक है डिजाइनर हम मानते हैं अपना एक, हम लोग का भी बहुत इन्वॉल्व होता है, हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं वैसे ऐसे करेंगे, खाली खुद चमत्कार है समझ गए, ये वरदान है खाली एक वरदान है, इसको पाने के लिए इसको सक्सेस करने के लिए आपको तपस्या करना पड़ेगा। अब तपस्या इन द सेंस वही जो अभी प्रसन्ना सर बोलेंगे भाई आप सर बोलेंगे सर हमको ये चाहिए वो चाहिए, आपको खुद फाइट करना पड़ेगा। हमारा पॉपुलेशन इतना अच्छा है ठीक है देश का कि अगर हमको किसी गवर्नमेंट का किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी चीज़ का हमको जरूरत नहीं है, अगर हम लोग वापस भी जागरूक हो जाए कि हमको ये चीज़ पहनना है ये चीज़ करना, चलो हम साथ में दो तीन कपड़ा दो कटिंग स्क्रीन लाएंगे उसमें ही बहुत उभार हो जाता है। और देखिए अगेन जो प्रसन्ना सर बोल रही गाँव में ना डिग्निटी और कॉन्फिडेंस इसका बहुत कमी आ गया है, कमी आ गया क्योंकि ना हम लोग ह्यूमिलेट करने लगे हैं, नहीं करना चाहिए, आखिर इन लोग जो वो हमारे खुद के लोग हैं ठीक है, और हम उनको नहीं सिखाने, जैसे हमारे घर है ना क्या ये कह रहे हैं सर्वेंट है बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनको हम कैसे सिखाते हैं, या फिर हमारे अपने परिवार हैं छोटा भाई है या फिर कजन है उनको हम सिखाते हैं कि हाँ ऐसे करो, तो उनको भी नहीं सिखा सकते, उनको भी बोलेंगे कि हम तो बहुत मजा आता है, अब जब गाँव में प्रवेश में जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि गाँव क्यों इतना अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ा मतलब उनका कॉमेंट भी ना बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग होता है, कॉमेंट भी मारे तो हंसी आ जाएगा मतलब बुरा नहीं लगेगा, तो उन लोग बहुत इनोसेंट लोग होते हैं और
हम लोग को चाहिए बढ़ावा देना, ठीक है। खादी ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है कि सक्सेस नहीं हो सकता या उसका बहुत डिक्लाइन, इसके बिना देश नहीं चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोगों को मतलब होता है कि अंदर से एक कोई सेल्फिशनेस नहीं, हाँ ठीक है हमको अडॉप्ट करना चाहिए, और अडॉप्ट क्या करना है यार, इसको तो हमारा चीज है, हमको तो अपनाना है, इसको अडॉप्ट क्या करना है, उसको बहुत छोड़ने लेना है खादी को, इसको बहुत लेना है। आप अपनाइए यार, अपने अंदर देखिए एक बार और मजा आएगा, सही बता रहे खादी इस फ्यूचर का आने वाला टाइम का सबसे अच्छा फैब्रिक खादी ही है, हर एस्पेक्ट से, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट से। और बड़ा अच्छा लगा कि हमारे मतलब यंग लोग ना अभी यहाँ पे सुनने हैं और भी यंग लोग यहाँ पे हैं जो कि खादी की तरफ काफ़ी रुझान है, तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया खादी की तरफ इतना रुझान और इंटरेस्ट दिखाने के लिए। से गया में ग्राम निर्माण मंडल ने कपिल देव बाबू के साथ उनके साथ लेकर वहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, और आज साथियों जो हम लोगों का मुख्य मकसद ये था ये मीटिंग करने का कि पिछले कई साल से खादी एक जितना इंस्टीट्यूशंस है ये ठीक से चल नहीं रहे हैं, और मार्केट में जो भी खादी बिकता है उसमें शायद जैसे प्रसन्ना जी बताते हैं 70% स्पूरियस खादी है। तो अभी हम पुराने ज़माने में जैसे कि 30-35 साल पहले जब हम सामाजिक क्षेत्र में आए उस समय जो लोग जैसे मोरारजी देसाई थे, तो मोरारजी देसाई वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री और भी थे, हम कभी मिलने गए तो हम और मेरे साथ एक सीनियर एक लेडी थी, तो वो ये साड़ी लेकर के पूछा कि ये वो खुद अपना मॉट में स्पिनिंग कर रहे थे बॉम्बे में नरेंद्रा में जहाँ पर उनका फ्लैट है वहाँ पर, और पूछे कि उस ये क्या चीज़ ये तो नायलॉन बैग जो भी उन्होंने खोले, तो तब उनको एम्बरेसमेंट हुआ। जैसे हम लोगों को भी अपना पार्टी का नेता लोग बैंगलोर आते थे उस समय, तो कभी कभी ऐसा होता था जिस दिन हम खादी नहीं पहनते थे उस दिन वो नेता आते थे हम उनके सामने नहीं जाते, तो आज का दिन ऐसा नहीं नहीं है। और लोगों को हम लोग का ट्रेनिंग कैंप में सब ये होता था कि खादी क्यों पहनना चाहिए करके लोगों को पूछा जाता, कोई लोग अपना पार्टी वर्कर्स बोलते थे कि ये तो हम लोग का यूनिफॉर्म है बोलते थे, और कोई बोलते थे कि आज़ादी के समय यहाँ पर कोई मशीन में कपड़ा नहीं बनता था उस वजह से गांधी जी ने बोला करके बोलते थे, लेकिन असल में जब हम लोग उस समय जो बोला जाता था कि हम लोग का देश में इतना अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जो मशीन में जो कपड़ा बनता है जिसमें मान लीजिए कि 1000 मीटर कपड़ा एक दिन में बनना हो तो उसमें सिर्फ 5 लोग काम करके उतना 1000 मीटर बना सकते हैं, वही अगर खादी जो हैंडस्पन क्लॉथ और हैंड वोवन क्लॉथ है और हैंडलूम जो है मिलमेड थ्रेड और हैंड वोवन क्लॉथ है, और मिलमेड क्लॉथ तो थ्रेड में भी मिलता है और ये भी मिल पे ही बना, तो यहाँ पर खादी का कपड़ा में वीवर एक दिन में अगर 1000 मीटर बनाना है तो एक आदमी एक दिन में 5 मीटर बुन सकता है, तो 1000 मीटर कपड़ा एक ही दिन में अगर हम लोगों को चाहिए तो कम से कम हम लोगों को 200 लोग चाहिए, इसलिए 200 ज़्यादा लोगों को इसमें काम मिल जाता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी खर्च नहीं है, और हमारे देश में इतना जनसंख्या ज़्यादा है उस वजह से मान लीजिए कि ज़्यादा ज़्यादा लोग खादी का कपड़ा पहनना शुरू करेंगे तो हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या कम होगा, ये बात होता है। मुझे एक हाल के दिन में याद आ रहा है, मैंने 1984 में कभी यहाँ पर हम लोगों का युवा लोगों का जो मीटिंग पार्टी का युवा लोगों का मीटिंग हुआ था रैली बोर्ड क्लब ग्राउंड में, तो उस समय
तो ये नारा था जॉब और जेल, रोजगार दो या जेल भेजो, ये नारा था तो 84-85 में। तो अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले हम लोग के यहाँ पर अपना युवा के लोगों को एक जंतर मंतर रैली की है, वो भी रोजगार के बारे में ही। पिछले 25 साल में जैसे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ, जो भी सरकारें आए उस समय से सारे शेप ऑफ आइडियोलॉजी के सरकार आया, लेकिन नीति तो वही सारे लोग चलाए। और अभी देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जैसे पीस आइना के लिए सब चीज़ें बहुत रिसर्च किया है, और रोजगार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, इनइक्वालिटी भी पिछले 25 साल में बहुत बढ़ा है। तो इसी कारण से हम लोगों को आज का दिन ये अपने तरह से हम लोगों का एक शुरुआत है। ये मैं चाह रहा हूँ कि विजय जी से और प्रसन्ना जी से, कपिल देव बाबू साहब लोगों से सब निवेदन करता हूँ कि ये सब चीज़ आगे आने वाले दिन में हम लोग क्या करना चाहिए इसके बारे में एक यहाँ पर मान लीजिए 4-5 लोगों का ही कोई कमेटी आप लोग बनाए, और वो लोग अगला 2-3 महीने के अंदर कोई रिपोर्ट दे, और उसके बाद हम लोग उसी पर हम लोगों का फोकस रख करके हम लोगों को आगे इसके फील्ड में काम करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। और अभी आप लोग कोई सवाल पूछ सकते हैं आप प्रसन्ना जी से, कपिल से सवाल पूछ सकते हैं। एक तो मैं प्रसन्ना जी से, कल अरुण जेटली ने कपड़ा पर कहा है कि 0% GST होगी, क्या उस कपड़ा जो उन्होंने बोला है उसमें खादी शामिल नहीं है? कल की ही बात, कपड़ा नहीं बोला है, कपड़े पे 5% होगा, अगर कपड़े से जुड़ा हुआ प्रोसेस पे जो टैक्स था उसको हटा देंगे, प्रोसेस पर होगा। इसमें मेरा आपसे प्रश्न है कि इसकी एक समग्र समझ बनाने के लिए कैसे कैसे, क्या पुराने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं उनमें से किसी के आप संपर्क में हैं, कुछ ऐसी जैसे चरखा है, इस तरह की और संस्थाएं बिहार में अपने ग्राम निर्माण मंडल के काम से हम लोग परिचित हैं, तो ऐसी संस्थाओं ने कुछ शोध किया क्या? जैसे US में अलग अलग हितों के हिसाब से थिंक टैंक्स होते हैं, तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था खादी के बारे में सोचना करना, लेकिन अब परंपरा कमज़ोर पड़ी है, तो उस तरह का कमेटी की बजाय वैसे लोगों को खोज के और उनकी बात सुनी जाए। और जैसे आज ही की बैठक है तो मैं अपने इस तरह के सवालों पे जो पत्रकारिता करते हैं और लेखक लोग हैं, रविंद्र त्रिपाठी जी हैं, प्रसून जी हैं, ये लोग लिखेंगे तो, और उसके बाद हम लोग इसको, अनिल जी काफ़ी डिसिप्लिन से काम करते हैं अंग्रेजी में ये करके फेसबुक पे डालना, ये सब तो हम करेंगे, लेकिन और इसमें क्या क्या कर सकते हैं ताकि साल भर में अपन इस पर एक समग्र, मैंने आज सुबह कुछ इकोनॉमिस्ट से बात की तो उनके दायरे में किसी ने इसकी एज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, इसका क्या स्थान है, इस पर कोई हैंडलूम या खादी दोनों के बारे में नहीं है, जितना उस रम्मा ने हैंडलूम के बारे में किया उतना भी किसी प्रोफेशनल ने नहीं किया है, तो उस तरह की अगर हमको जानकारी दे देंगे और जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी और लेखन हो वो अगर हमसे शेयर कर सकेंगे, और फिर हम संस्थाओं, हमारे साथी लोग आपके यहाँ आने को तैयार हैं, उसमें लेखन में अगर आप मदद करें तो एक पुस्तिका उस पर बना सकते हैं, और फिर इस तरह के और कौन लोग होंगे ताकि समाज के सामने ये मुद्दे जा सकें। लोगों के सामने जाने से पहले हमने कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए। कन्फ्यूजन, पहले कन्फ्यूजन में है खादी का रोल क्या है।
खादी का रोल, मतलब मैं एक ऐसे उदाहरण का आपको थोड़ा चटपटा सा लगेगा, इट इज लाइक द रोल ऑफ द हीरोइन इन अ फिल्म. सी खादी इज अ सिंबल, खादी सिंबलाइजेस हैंडमेड प्रोडक्शन. वी शुड डिमांड दैट ऑल हैंडमेड प्रोडक्शन we brought together and we excluded from taxes and we given, because what is sustainability? Sustainability is linked with handmade production. Whether it is pottery, whether it is ceramics, whether it is fabric, वो सब साथ में लाने की जरूरत है. हमारे अंदर जो जात बन गए उसको हटाने के problem. मैं खादी जात में नहीं हूँ, मैं तो उजरम्मा के साथ जात में हूँ, हम सब हैंडलूम में काम करते हैं. और मैं जब भी जाता हूँ खादी वालों से बात करने के लिए, वो कहते हैं हाँ ठीक है भैया, मगर हम उसमें नहीं आ सकते. या तो क्राफ्ट वाले कहते हैं कि ठीक है भैया, मैं हम नहीं आ सकते. सी दैट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज वी आर अवर सेल्फ बिकम वेरी सेक्टेरियन, हम बट गए हैं सेक्टर्स में. इसीलिए तो ये नया मांग हम सोचा है, वो मांग ये है कि जो भी हाथ से बना बनाने वाला चीज़ है उसके लिए आप टैक्स हटा. और वो मांग को हम ऐसे रखना चाहते हैं कि कर निराकरण, कन्नड़ में कर निराकरण कहते हैं, कर मीन्स टैक्स, कर मुक्त आंदोलन शुरू कर. हम इसको बेचने वाला है बिना टैक्स के. Of course, it is not an anti-Modi campaign, because Congress also had done the same thing. It is a campaign where we are trying to bring the memory of freedom struggle back to the people and bring the memory back of constructive growth. You see, the problem is very simple. All of us, for the last 70 years after independence, humne रचनात्मक कार्य को पीछे हटा दिया. हम सब भाग गए उस तरफ, पॉलिटिकल काम, पॉलिटिकल काम, भागो भागो, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, एमएलए बनो, और पीछे कर दिया हमने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम. अरे भैया, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम क्यों लिया था गांधी जी? क्योंकि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ही पॉलिटिक्स है. तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी को तुम्हें जिंदा रखना है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में काम करना जरूरी है. सो दैट इज वाई वी शुड से मैं तुम्हें हटा रहा हूँ, पॉलिटिक्स को हटा रहा हूँ, लेट अस मेक द डिसीजन ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम सो दैट पीपल बिकम अवेयर व्हाट इज पॉलिटिक्स. इफ यू वांट टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस इनटू द पीपल, हाउ कैन नीतीश जी या मोदी जी या सिद्धरामैया जी ब्रिंग कॉन्फिडेंस इनटू द पीपल? वो सिर्फ पैसे दे सकते हैं. पैसे कैसे दे सकते हैं? बांट सकते हैं, विच मीन्स यू आर मेकिंग देम बेगर्स. पॉलिटिक्स हैज दिस प्रॉब्लम. आप कुछ पूछ रहे समझ अरे वही मैं इसी पुराना जो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो ग्राम उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को जो आपने बिल्कुल एड्रेस किया, लेकिन इसके साथ साथ और मुझसे कुछ एक जुड़े हुए मुद्दे हैं जो कि खादी को जनमानस तक पहुंचाने का, युवाओं तक पहुंचाने का, उस दिशा के अंदर भी कहीं कुछ विशेष प्रयास नहीं. एक समय में खादी के ऊपर सरकार सब्सिडी देती थी और पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे वो सब्सिडी लगभग बंद हो गई है. और जब ये सब्सिडी बंद हुई उसको लेकर भी कोई बहुत संगठित प्रयास नहीं हुए सरकारों के साथ में बातचीत करने का या उसके विरोध के अंदर. तो जो हमारे साथ में जो विरोध ना करने की प्रवृत्ति और उसके उन सब चीज़ों को लेकर जो युवा इनसे अलग होते जा रहे हैं, हम लोग युवा लोग जो उससे अलग होते जा रहे हैं. और साथ साथ जैसे उन्होंने कहा कि हर चीज़ जो हाथ से बनती है, क्योंकि वही एक सपना था गांधी का कि जो ग्राम स्वराज कैसा आएगा कि ग्राम के अपने उद्योग, ग्राम उद्योग जो बनेंगे वो खुद अपने आप में सक्षम यदि होंगे, यदि वो खुद अपने साबुन बना रहे हैं, अपनी अगरबत्ती बना रहे हैं, अपना कपड़ा बना रहे हैं, अपना जूता बना रहे हैं, अपना हल बना रहे हैं, और बाकी जो भी उनके रोज़मर्रा के जीवन की जो चीज़ें यदि वहाँ खुद उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस पूरे आंदोलन को शायद हमको एक
बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखकर और उस रूप से उसकी एक विचार बनाना चाहिए, अपने अपने स्तर पर किस प्रकार की पैरवी हम अलग अलग स्तर पर कर सकें, किस प्रकार की वकालत हम अपने अपने जिन क्षेत्रों में हम लोग काम करते हैं उसके अंदर कर सकें और एक बहुत ही फोकस रणनीति के ऊपर इसमें हम काम कर सकें तो शायद ज़्यादा बेहतर साथ प्रयास हम लोग अलग अलग। बात है कि मैं कहीं आज मौका के मुकाम के बारे में मैंने बहुत बड़ा समझा, हमारे सीनियर जो है लेकिन एक साथ हैं उन्होंने आपके बारे में बताया खाली तक सीमित होना और हैंडल तक उसको आगे बढ़ना के हाथ से बने हुए जितनी चीज़ें हैं उसको हम मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा उसको बढ़ावा दें जिससे हमारा माहौल और उसके जो गाँव में बसने वाले और कार्यकर्ता लोग हैं उसको अवलंबी हो सकते हैं और बेरोजगारी की जो बड़ी समस्या है। दुनिया में बहुत कम लोग शायद ऐसा होगा जो किसी वस्त्र को लेकर कोई आंदोलन चलाता होगा, मुझे शायद नहीं पता आपको तो मालूम हो तो मुझे याद रखाएंगे। नॉर्वे को जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत देखा उसका एक देशी जीवन है और हमारे मुल्क में एक देशी जीवन है जिस पर हम एक वस्त्र को आज़ादी के दौरान भी और बाद भी स्वावलंबन के साथ साथ एक देशी टच की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है कहीं पिछड़ेगा, शायद जो नई पीढ़ियाँ आई उन्होंने वस्त्र बदले उनके पास बहुत सारी स्वतंत्रता थी, आप उन पर आरोप नहीं लगा सकते वो खादी को नहीं पहनते वो महंगे क्यों नहीं पहनते, आप किसी के पर्सनल चॉइस पर अंकुश नहीं लगा सकते, उनको उनके हिसाब से जीने का मौका होना चाहिए। ठीक है, खादी और हैंडलूम से बने प्रोडक्ट काफ़ी सुंदर अच्छे हो गए, मुझे ये समझ में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है कि इतनी ज़्यादा खादी पर जो हमारा फोकस है और हम बहुत सारे एक्टिविस्ट खादी के नाम पे देखते हैं या हैंडलूम के नाम पे, हमने कोई मार्केटिंग और किसी भी प्रोडक्ट के नाम पे कोई एक्टिविज्म नहीं देखा, वे वी आर ट्राइंग टू प्रमोट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन सोसाइटी व्हाई डोंट यू बाय इट, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट टुडे नाउडेज दैट खादी हैज बिकम ए टूल इन द हैंड्स ऑफ दोस पीपल एंड आई पर्सनली फील सम टाइम वेरी लो माय ओन हैंडलूम प्रोडक्ट इज नॉट वेरी मच यू नो match with those products, sometimes it's not durable because handloom covers so many things. It doesn't only, stick to some clothes only. And in between, I see politicizing of khadi by different political party and different, activists. So what we are lacking, why khadi has, you talked about symbol, heroine of the film industry because it belongs to the theater communities, are you trying to degrade the khadi when you say symbol? Is it feminine beauty of the society? Somehow if we match khadi with the symbol of film, heroine, So what we are lacking, even a huge amount of campaign by the government, huge amount of subsidy by the government some time back, even I buy some khadi product on after 2 October, we get some kind of discount. So where we are lacking, why we or is there any new target before khadi that khadi can reach to this target? What is the target before khadi and handloom product? And why we are lagging? Government never say that we do not support khadi, we oppose khadi or any handloom product. There are 100,000s of NGO working on such kind of sector. I do not know what amount of money they are making and what kind of. First time I met with him and I have heard about him that he really talked that he. पहले हम 4-5 करोड़ का कुछ काम करते थे, हम 25 लाखों का यार्न खरीदते थे यार्न, अब वो घट गया तो कहाँ पे क्या सरकारी नीति खराब होगी? हम तो हर अखबार में हर जगह देखते हैं खादी 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 हैंडलूम कहाँ है, इतना एक्टिविज्म जिस एक प्रोडक्ट को लेकर हो, एक राष्ट्रपिता जिस प्रोडक्ट को लेकर के एक सोशल मोबिलाइजेशन का टूल है, सेल्फ इंडिपेंडेंस होने का एक टूल है, उसके बाद हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे प्रोडक्ट पे इतना एक्टिविज्म है, तो मैं ये इनसे इसलिए समझना चाहूँगा क्योंकि इन्होंने अपना जीवन सांस उस फील्ड में बिताया है दिया है, तो हो सकता है मैंने कुछ ज़्यादा एक्सेजरेट करके या मुझे जानकारी नहीं हो तो मैं समझना चाहता हूँ आपके, क्योंकि आपके कहने से मुझे एक विचार एक सवाल मेरे भी लगभग जुड़ा हुआ क्योंकि मैं बहुत प्रत्यक्ष रूप से खादी या गांधी के काम में कभी नहीं रहा, प्रत्यक्ष रूप से कुछ काम हम लोग देखे हैं क्योंकि
हमारी परवरिश में कुछ ऐसा था कि उन चीज़ों से लगाव होना बहुत स्वाभाविक था। युवावस्था में उसके बाद के कुछ समय में, जैसे ये मेरा ये सवाल प्रसन्ना जी से भी और बाकी यहाँ जो खादी के जानकार लोग हैं वो शायद बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आप जिस डिसअपॉइंटमेंट या डिस्परेशन की जो बात आपने छेड़ी है, शायद इसका संबंध बहुत कुछ जैसा कहा कि ग्लोरिफिकेशन और कमर्शलाइजेशन या फिर क्या कहते हैं उसको उसको बहुत फैशन की वस्तु के रूप में जिससे पिछले 10-5 सालों में प्रस्तुत किया गया है, इसके साथ साथ ही खादी और हैंडलूम के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ संस्थाओं ने या कुछ ऐसे कई मार्केटियर्स ने या उसको जिस तरह की मार्केटिंग की गई है, जो हम लोग खादी का करने के लिए निकले थे या हैंडलूम का काम करने के लिए निकले थे, परंतु उनके काम करने में उस मार्केटिंग में कहीं कुछ ऐसे गैप्स हो गए कि वो आम व्यक्ति की पहुंच से दूर होती गई। आई एम कमिंग टूवर्ड्स द कॉस्ट फैक्टर एंड द इकोनॉमी ऑफ यू नो खादी दैट इज गोइंग आउट ऑफ द रीच ऑफ कॉमन पीपल। दैट इज ऑल्सो वन इशू दैट यू नो आई हैव ऑलवेज बीन थिंकिंग अबाउट लाइक एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बिग बिजनेस ऑफ यू नो फैब इंडिया एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसका उद्देश्य जो था वो काफ़ी कुछ अपने उद्देश्य से काफ़ी दूर चले गए। वो बहुत ही फैशन और एथनिक और हाई सोसाइटी की चीज़ बन गई, वो आम व्यक्ति की चीज़ नहीं रही। तो यदि उसमें भी कुछ प्रकार था हीरोइन के उदाहरण दिया, तो इसलिए दिया कि
हीरोइन हीरोइन के बजाय नाटक नहीं चलेगा, फिल्म नहीं चलेगी। और हीरोइन हीरो को ही बहुत बड़ा चढ़ा दिया है तो नाटक और सिनेमा खराब हो जाए। ये खादी का रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल। गांधी जी ने बहुत सोच समझ कर ये सिंबल चुना। वैसे देखा जाए गांधी जी को एक हल को चुनना चाहिए नेशनल सिंबल, क्योंकि हम ज़्यादातर वैसे दर्शन तो उनके हल को नहीं चुना, चरखा को ही चुना, क्योंकि इट वॉज द मोस्ट आइडियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द हैंड प्रोडक्शन। बिकॉज अनलाइक एग्रीकल्चर दिस वॉज अ क्राफ्टेड प्रोड्यूस, सो इट्स वेरी केयरफुली चोजन। सो आई कंप्लीटली एग्री विद गांधी जी दैट खादी शुड लीड all the others. When I say all the others, I don't just mean handloom. I don't mean just the crafts. For example, theater is like khadi. Television and cinema is like film production. So for me, it is as important that I do a play and not a television one. It is as important that people see theater and not a television one. And in that sense, we should realize that we are talking for hand-produced organic production and use of the self and of deconstructing the machine from our lives. The problem is of deconstructing the machine from our lives. If we don't deconstruct the machine from our life, we are not going to survive for long. You see, it's a problem of sustainable living. It's only a sustainable living that is going to survive. So let us not talk of the marketplace. आप सब marketplace पे बहुत जल्द में चले जाते हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं, हम भी बहुत आसानी से marketplace पे चले जाते हैं। वहाँ से खड़े होकर हम बोलते रहते हैं कि ये कॉस्टली हो गया है, चीप हो गया है, वायर। नो, द पॉइंट इज प्रोडक्शन। What are we going to choose as production? Are we going to choose hand production or the machine production? We know that machine production has increased the temperature of this whole earth by about several degrees. We are not going to survive if it increases by another 5 degrees. Sochiye, North India mein already 50 degree ho gaya hai. 55 ho gaya to kya ho jayega? Mar jayenge log. See, so in this, there is no choice. There is no choice for us except to deconstruct the machine. We have to deconstruct the machine. We have to come to haath ke kaam pe aana zaruri ho gaya hai. To haath ke kaam pe aana hai, to we have to make a fight. Whether it is the GST problem or some other problem, we have to come together and make the fight. And we have to revive the symbol of khadi as a representative of all the handmade productions. This is what I meant. जो प्रश्न आपने पूछा आपके साथ में डिस्कस करूँगा, नहीं तो वो लंबा खींचेगा। ईश्वर जी के सवाल का भी जवाब इसी के अंदर है। आसाम से आप कौन से एरिया से हैं? आसाम से। अच्छा, आसाम से जब मेघालय के साइड में जाएंगे तो नोंको आएगा, ठीक है। नोंको से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप जहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, आप आगे जाकर फिर राइट जब जाएंगे तो उमडिन एक विलेज आता है, उमडिन, ठीक है। आप उमडिन जाइए, वहाँ पे एक एसीजी ग्रुप है, उन लोग टोटली नेचुरल लाइफ पे काम करता है, ठीक है। अगर उन लोग थोड़ा अगर बोले कि ना हम ले जाते आपको, आप बोलिए कि हम मतलब प्रवीण ऐसे ऐसे कुछ रेफरेंस भी दे सकते हैं, ये नहीं बोले गो हैं बस रेफरेंस भी बोले, ठीक है। वहाँ पर आप जाएंगे आपको बताएगा, क्योंकि आसाम और मेघालय में बहुत लोग तो मतलब बॉय होते हैं, ठीक है, वहाँ खाता के साथ में खीरे के सौड़े तो वहीं से एडिक्शन मत करें। तो आप वहाँ पर जाएंगे आपको बताएगा कि वो सुपारी से कैसे उसको गाइड कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो वहाँ पे बीमा सर्विस सेंटर है, ठीक है, और दास जो वहाँ पे डायरेक्टर अभी वो है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, आप उनको भी बोलेंगे तो बताएंगे। बाकी प्रसन्ना सर जो डिटेल्स आपको डिटेल की बात बताएंगे, लेकिन
बहुत अगर वहाँ पे आपको मिल जाता है तो आपको क्या होगा सबसे अच्छा कि आपका जो ऐसे जो ग्रुप है या जो ट्रेनिंग लेने वाले लेडीज हैं आप उनको बहुत कम डिस्टेंस है तो आप उनको ट्रैवल करा के वहाँ से ट्रेनिंग मिला के विद इन 5 आवर्स का वापस किया जाएगा तो यही कनेक्टिव है प्रसन्ना सर बता रहे हैं तुम दिन वो विलेज का नाम का आपसे बात कर रहा हूं मैं आप इतना रुचि दे रहे दिखा रहे तो अच्छी बात है लेटेस्ट से जरूर पूछना चाहता हूं अभी मैं विजय जी से निवेदन करूंगा अभी आप नहीं ये आई हुई है ये दूसरे विजय जी का नहीं नहीं उसका वो भी इस सभा को समाप्त करते हुए सबसे पहले मैं विशेष तौर से प्रसन्ना जी का बहुत आभारी हूँ और अपना सेनेट की ओर से और आप सभी की ओर से मैं उनको बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस बिजी शेड्यूल में से हम लोगों के साथ कुछ समय बिताया और अपनी बात रखी हमारी समझ बढ़ाने में बहुत सहयोग किया साथ साथ कपिल देव जी और रवीन जी जिन्होंने और आप सभी ने जिन्होंने इस डिस्कशन को बहुत वाइब्रेंट बनाया अपने अपने सवालों से और अपने दूसरे कंसर्न से हमें उम्मीद करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे संदेश आज इस बैठक में निकल के आए हैं और मैं तो कम से कम बहुत उत्साही हूँ उन संदेशों को लेकर और एक नई सोच बनाने को लेकर और साथ में संगठित रूप से काम करने को लेके इस आंदोलन में किस आंदोलन को किस प्रकार से ज़्यादा सशक्त किया जा सके हम अपने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास कर सकते हैं और संगठित स्तर पर क्या प्रयास कर सकते हैं इनके ऊपर यदि आप फिर कभी बैठ के और एक रणनीतिक रूप से काम की योजना बना सकें तो बहुत अच्छा होगा और आपका निर्देशन और गाइडेंस हमें समय में मिलते रहे तो काम में अच्छा लगेगा और इसके साथ ही आप सभी लोगों का सभी वालों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपनी संडे मॉर्निंग में इतना समय निकाला कि आप अपने परिवारों से जुड़ गए इस सभा के अंदर आ सके बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं आपको आमंत्रित करता हूँ लंच के लिए आप भोजन एक सूचना विजय शर्मा जी के पास से प्रोग्राम की जानकारी है 5 सितंबर से मुजफ्फरपुर से चंपारण शताब्दी सत्याग्रह यात्रा शुरू हो रही है और 24 सितंबर तक है तो आप में से जो बिहार जाने की स्थिति में हों या बिहार के साथी हों वो डेट्स इनसे ले सकते हैं और जिन साथी से संपर्क करना होगा वो फ़ोन नंबर भी विजय जी के पास है शाहिद कमाल हैं
अब वो और उनकी टीम ने ये शुरू किया, वो राजसेवा दल नामक जो एक संगठन है उसके वो अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी हैं, तो मुजफ्फरपुर से 5 सितंबर को शुरू होगी। और इसके सिलसिले में जो आगे बैठकें होंगी वो आपको विजय जी खबर देंगे, और इसको एक इसमें आपके पास जो जानकारियाँ हों जो कुछ हो तो हम लोगों को ईमेल से फ़ोन से खबर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।